हे YTBNs की हलचल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं जब YT भारत चैनल पर एक भी वीडियो नहीं आया। उसके पीछे की वजह थी मैं खुद कोविड का शिकार हो गया था, लेकिन आपके प्यार ब्लेसिंग्स की वजह से YT भारत चैनल इन दिनों बहुत अच्छे ढंग से चलता रहा। ऑटो मोड पर आप लोग के व्यूज आते रहे, लाइक्स आते रहे, आप लोग प्यार बरसाते रहे और हमारी फैमिली अब 6000 रेगुलर सब्सक्राइब की हो चुकी है और लगातार बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों आज के इस वीडियो को हम बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव लेकर के आए हैं आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम Q&A करने वाले हैं मनाली के बारे में, क्योंकि सीजन अब स्टार्ट हो चुका है। स्नोफॉल इस साल सबसे बेहतरीन पड़ने वाली है पिछले कई सालों के मुकाबले में, तो इस साल जाना बहुत ही अच्छा रहेगा। स्नोफॉल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और अब की बार की स्नोफॉल बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवालों के जवाब जो आप लोग कर रहे थे मैं दे नहीं पा रहा था, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में और जान लेते हैं आपके हर एक सवाल का जवाब, जिसके साथ आप सभी लोग कनेक्ट करेंगे और बहुत ही जल्दी आप लोग प्लानिंग करेंगे मनाली घूमने की। आइए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में। आइए दोस्तों, तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में और आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल एक एक करके पिक कर लेते हैं, जिससे हमारे अदर जो व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले पिक कर लेते हैं आशीष रंजन वर्मा जी का सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। फ्रॉड नहीं ना होगा सर, पहले ये लोग मनी ले लेते हैं इसलिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि YT भारत चैनल पर जिन भी ट्रेवल एजेंट्स का रेफरेंस आपको दिया जा रहा है ये 200% जेन्युइन है। बहुत सारे मेरे ऑलरेडी व्यूवर्स इनसे पैकेज लेके जा चुके हैं और मैं खुद हर साल अपने फैमिली के साथ पैकेज लेके जाता हूं। इस चीज को साबित करने के लिए मैं आगे क्रिएट माई बुकिंग ट्रेवल एजेंट के थ्रू लिए गए एक पैकेज वाले कस्टमर का रिव्यू दिखाने जा रहा हूं। आप खुद समझ जाएंगे कि पैकेज लेने के बाद लोग कितने ज्यादा सेटिस्फाइड हो रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं अश्वनी और मैं इस वक्त हूं मनाली में। आप देख सकते हैं मनाली का स्नोफॉल, आज सुबह ही स्नोफॉल ये बंद हुआ है, अभी बंद हुआ है और मैं इस वक्त हनीमून पैकेज पे हूं जो मैंने बुक कराया था क्रिएट माई बुकिंग से मिस्टर नरेंद्र के द्वारा, और इसमें हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिली हैं और इसमें हनीमून इंक्लूजन भी था, जिसमें कैंडल लाइट डिनर, केक, फ्लावर डेकोरेशन वो भी था, और होटल इतना बेहतरीन है। आप देख सकते हैं इसकी बालकनी और बालकनी से देखिए स्नो का बहुत बेहतरीन व्यू, और हमें यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई हैं। कैब फैसिलिटी इनकी बहुत अच्छी है, बिल्कुल पंक्चुअल टाइम से, और बहुत बढ़िया हमारी विजिट कराई है सोलांग वैली में, उसके बाद मणिकरण, हमने राफ्टिंग, स्कीइंग वगैरह बहुत सारी एक्टिविटी भी करी हैं, तो बहुत अच्छे हमें अच्छी सर्विस पे प्रोवाइड कराया गया ये पैकेज भी। तो मैं तो हाईली रिकमेंडेड करता हूँ क्रिएट माई बुकिंग से आप पैकेज बुक कराइए बिना किसी डाउट के, ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, कोई मैं इसके लिए मतलब वो नहीं हूँ, मैंने खुद सर्विस ये अवेल करी है और एक्सपीरियंस करी है, और मैं हनीमून पैकेज पे हूँ। आप ये मत समझना मैं अकेला आया हूँ हनीमून पैकेज में, ये है मेरी वाइफ। ओके गाइस, मैं हाईली रिकमेंडेड करता हूँ क्रिएट माई बुकिंग को, और आप भी निश्चिंत होकर बुकिंग कराइए। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल जेन्युइन ओपिनियन था एक हमारे क्लाइंट का। अगर आप भी बुक कराना चाहते हैं क्रिएट माई बुकिंग के थ्रू तो कॉल करिए अभी 8010428280 पे और गौरव जी के साथ कनेक्ट हो जाइए अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं मनाली या ऑल ओवर इंडिया कहीं की भी। तो आइए अब दूसरे सवाल को ले लेते हैं। दूसरा सवाल है सुरेश लखारा जी का, ये पूछ रहे हैं दिसंबर में जा सकते हैं क्या। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो हैं वो ट्रैवलर्स स्नोफॉल के दिनों में ही मनाली जैसे हिल स्टेशंस पे जाते हैं। आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये वीडियो हालांकि जनवरी का है, लेकिन आप अगर दिसंबर और जनवरी में जाते हैं तो आपको शायद ऐसी ही या इससे ज्यादा स्नोफॉल मिलेगी। तो मैं रिकमेंड हाईली आपको ये करूंगा कि अगर आप स्नोफॉल के दीवाने हैं, आपने लाइफ में कभी भी नहीं स्नोफॉल देखी है, तो सबसे चीप एंड बेस्ट पैकेज के साथ आप मनाली घूम सकते हैं, और यकीन मानिए आप किसी भी फॉरेन की अदर लोकेशंस भूल जाएंगे एक बार
मनाली के इस हिल स्टेशन पे आने के बाद। तो अगला सवाल और ले लेते हैं, आइए दोस्तों, आइए सुजीत पाटिल जी का सवाल ले लेते हैं मुंबई से। सर हम फैमिली 4 मेंबर जाने वाले हैं, मुंबई से दिल्ली 27 फरवरी और दिल्ली से शिमला मनाली पैकेज लेकर के जाने की सोच रहे हैं, लेकिन पैकेज के थ्रू जाना ठीक होगा या डायरेक्ट जाना? तो दोस्तों मैं सुजीत पाटिल जी को बताना चाहता हूं कि पैकेज अगर आप लेकर के जाएंगे तो वो आपको हमेशा चीप एंड बेस्ट पड़ेगा। दूसरा, विदाउट टेंशन के आप घूम फिर सकेंगे, क्योंकि अगर आप खुद अरेंज करते हैं तो हर चीज़ आपको खुद अरेंज करनी होगी, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो सुनवाई आपकी कम होगी, रादर देन कि आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक कराएं, क्योंकि उनका रेगुलर का उनसे रिलेशन होता है तो वो आपकी जल्दी से जल्दी हेल्प कर देते हैं। और कॉस्ट के मामले में भी अगर मैं आपको बताऊं तो कॉस्ट भी आपको ट्रैवल एजेंट के थ्रू पैकेज जब बुक कराएंगे तो सस्ती पड़ेगी, अजमा करके आप देख सकते हैं। तो और अगर आप पैकेज बुक कराना चाहते हैं तो आप क्रिएट माई बुकिंग के थ्रू बुक करा लीजिए, 8010428280 पे कॉल करिए, बुक कराइए। आइए दोस्तों अगला सवाल ले लेते हैं। शेख रवीश जी पूछ रहे हैं कैन दे एड फ्लाइट फ्रॉम मुंबई? तो रवीश जी मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अगर क्रिएट माई बुकिंग से पैकेज लेते हैं तो कुछ भी आप अपने करंट पैकेज में चेंजेस करवा सकते हैं। जैसे हनीमून इंक्लूजन है तो ज्यादा फैसिलिटी चाहें तो आप, जैसे होटल को चेंज कराना चाहें, ज्यादा अच्छा लग्जरियस होटल चाहें तो एड ऑन कराइए, कुछ आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। हनीमून इंक्लूजन पैकेज के अंदर कुछ आप ज्यादा डेकोरेशन कराना चाहें तो ऐड करा सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा चार्ज आपका हो जाएगा। या हनीमून पैकेज लेकर के आप हनीमून वाली फैसिलिटी को रिमूव कराना चाहते हैं ताकि पैकेज सस्ता हो जाए तो कुछ आपका पैकेज सस्ता हो जाएगा। फ्लाइट ऐड कराना चाहते हैं तो फ्लाइट ऐड हो जाएगी। इन सब चीजों के लिए आपको ट्रैवल एजेंट 8010428280 क्रिएट माई बुकिंग पे कॉल करके बातें करनी होगी और बुकिंग करानी होगी, आपकी सारी चीजें सेटल कर जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। राहुल राणा जी पूछ रहे हैं, सर अगर दिसंबर के महीने में बाइक पर जाएं, इस पर आपकी क्या राय है, प्लीज बताइए क्या प्रोस कॉन्स हैं? तो दोस्त प्रोस कॉन्स के बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो सिंपली बताता हूं कि दिसंबर का महीना ऐसा होता है जब मनाली के चारों तरफ बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है और टेम्परेचर जो मैंने एक्सपीरियंस करा है वो इवनिंग के टाइम पर -27 तक चला जाता है, जब एक्चुअल में ज्यादा स्नोफॉल होती है। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में बाइक से मनाली या किसी भी स्नोफॉल वाले हिल स्टेशन पे जाएं। आप अपने रिस्क पे जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन बाइक स्किड करेगी, एक्सीडेंट होने के मैक्सिमम चांस हैं, तो ऐसा आप रिस्क मत लीजिए अपनी लाइफ के साथ। सेफली आप जाइए पैकेज लेकर के, या आप अपनी कार के थ्रू जा सकते हैं, वो भी 4x4 की कार ही वहां पर चल सकती है स्नोफॉल के दिनों में। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ही मनाली आप घूमने जाइए। नवीन रंजन जी पूछ रहे हैं ई पास जरूरी है क्या, प्लीज रिप्लाई। तो नवीन जी मैं आपको बता देता हूं कि ई पास की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, मनाली शिमला कहीं भी आप एंट्री कर सकते हैं विदाउट ई पास, बिना किसी कोविड सर्टिफिकेट के आप घूम सकते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले नवंबर के एंड में गवर्नमेंट ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है मनाली के अंदर, लेकिन नाइट कर्फ्यू तब लगाया है जब आप होटल में आराम कर रहे होंगे, सो रहे होंगे और सुबह 5 बजे नाइट कर्फ्यू खत्म हो जाता है। तो बिना किसी आप रेस्ट्रिक्शन के मनाली घूम सकते हैं, जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपने ब्यूटीफुल हनीमून या फैमिली पैकेज के साथ। दोस्तों अगला सवाल ले लेते हैं कृणाल कांत जी का, इस वॉल्वो इज रनिंग? तो आपके सामने सबसे पहले स्क्रीन पे आ रही है ये बसेस क्रिएट माई बुकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अंदर से अगर आपको दिखाना चाहूं तो ये है बहुत ही कंफर्टेबल सेमी स्लीपर की सीट्स, बिल्कुल वॉल्वो का मजा आने वाला है, लेकिन सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ये नॉन एसी बसेस होंगी, क्योंकि अभी नॉन एसी बसेस ही अलाउ हैं। दिल्ली से अगर आप मनाली जाते हैं तो क्रिएट माई बुकिंग की इन वॉल्वो जैसी सेम कैटेगरी के बस के थ्रू आप जा सकते हैं, डायरेक्ट मनाली के लिए बसेस हैं। किसी अगर आप अदर ट्रेवल एजेंट से बुक करवाते हैं बसेस को तो पूछ लीजिएगा कि डायरेक्ट मनाली की है या कि दिल्ली से बद्दी छोड़ देगी और बद्दी के बाद टेम्पो ट्रेवलर जैसे कि आजकल चल रहा है लेकर के आपको जाएगी। तो बुकिंग से पहले आप इस चीज को अपने ट्रेवल एजेंट से जरूर कंफर्म कर लीजिएगा।
अगला सवाल है गिरीश शर्मा जी का, बेस्ट पैकेज क्या है मनाली के लिए? तो गिरीश जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल पर आपको मनाली से रिलेटेड बहुत सारे पैकेजेस के वीडियो मिल जाएंगे। फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप वीडियो के ऊपर देखिए, एक टैब पर आपको उसका लिंक आ रहा होगा, और दूसरा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मनाली बेस्ट पैकेज का लिंक देने जा रहा हूँ। लिंक पर क्लिक करिए और वहां पर जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। बुक कराने के लिए आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जीवी बालाजी चेन्नई से पूछ रहे हैं, हाउ टू कम फ्रॉम चेन्नई टू शिमला एंड मनाली। तो जीवी बालाजी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप शिमला और मनाली जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेटर ये होगा कि पहले आप दिल्ली आ जाइए। दिल्ली आ पाने के लिए फ्लाइट या ट्रेन दोनों का बेनिफिट उठा सकते हैं। दिल्ली से आप पैकेज बुक करवा लीजिए और दिल्ली से आप बहुत ही कंफर्टेबली वॉल्वो के थ्रू शिमला और मनाली दोनों स्थानों पर घूम करके आ सकते हैं। अगला सवाल है अब्दुल राव जी का, हेलो सर, आई एम प्लानिंग टू गो टू मनाली, शुड आई बुक अ पैकेज वाया मेक माई ट्रिप और एनी ट्रेवल एजेंट? तो राव जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप किसी से ही बुक करा सकते हैं, MMT या किसी भी लोकल ट्रेवल एजेंट से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी MMT पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है, और MMT की जो कॉस्ट है किसी भी अदर ट्रेवल एजेंट के कंपैरिजन में लगभग 30-50% ज्यादा होती है सेम फैसिलिटीज के साथ। ये मैंने अपने एक वीडियो में प्रूफ करके दिखाया है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर टैब में आप देख रहे होंगे, क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो सेम वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूं। इस वीडियो पे क्लिक करिए और खुद चेक कर लिए किस तरह से सेम होटल और फैसिलिटी के साथ क्रिएट माई बुकिंग, जो हमारा ट्रेवल एजेंट है वो आपको सेम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और इतने सारे सेटिस्फाइड कस्टमर ऑलरेडी क्रिएट माई बुकिंग के थ्रू उस पैकेज को बुक करवा करके जर्नी कंप्लीट करके आ चुके हैं। तो वो चीजें एक मैटर करती हैं। तो अगर आप मेंटली सेटिस्फाइड हैं MMT के साथ तो उसे बुक करवा सकते हैं, लेकिन कॉस्ट को सेव करना चाहते हैं, सेम फैसिलिटी एक ट्रस्टेड ट्रेवल एजेंट के थ्रू बुक कराना चाहते हैं तो आप बुक करा सकते हैं। अदरवाइज आपका कोई अपना जानकार ट्रेवल एजेंट हो तो उससे भी आप इस पैकेज को लेकर के जा सकते हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करता कभी भी कि आप MMT से अपने पैकेज को बुक करवा करके अपनी मनी को वेस्ट करें। अभी के सिनेरियो के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? उम्मीद करता हूं बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। और दोस्तों आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आप ना जाएं, आपका कोई फ्रेंड जाए, आपका कोई रिलेटिव जाए, तो ये इंफॉर्मेशन उनके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। YT भारत चैनल पर बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छे लगते हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। बने रहिए YT भारत चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।